आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां सामाजिक शैक्षणिक एवं गरीबी उन्मूलन के लिए शिया समुदाय ने एक संस्था की ओर से हजरत इमाम हुसैन के नाम पर सिविल लाइन स्थित सुभाष चौराहे तथा हनुमान मंदिर के बाहर गरीब आशाएं और जरूरतमंदों को मास्क सैनिटाइजर के साथ पानी की बोतल, बिस्किट के पैकेट आदि बांटी गई। संस्था के मौलाना कल्बे अब्बास रिजवी ने कहा कि इमाम हुसैन द्वारा इंसानियत की खातिर अपने पूरे कुनबे को कुर्बान कर देने की 1800 साल पहले इराक के करबला में घटित घटना से प्रेरित होकर गरीबों, असहाय व जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री और पानी देकर लोगों को इंसानियत के मार्ग पर चलने की बात कही। वहीं इमाम हुसैन सिर्फ एक ही मजहब के लिए नहीं बल्कि सभी धर्म जातियों इंसानियत का पैगाम देने का, अपने खानदान के बूढ़े बच्चे सहित आतंकवाद का शिकार हो गए। संस्था के फाउंडर मौलाना कल्बे अब्बास रिजवी ने हज़रत इमाम हुसैन की इंसानियत की खातिर अपने भरे खानदान को कुर्बान कर देने और हिंदुस्तान की उनकी बेपनाह मोहब्बत का जिक्र करते हुए कहा कि जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन को यजीदी लश्कर ने घेर लिया और कत्ल करना चाहा तो उन्होंने खून खराबे से बचने के खातिर भारत में आने की इच्छा जाहिर करी। यही वजह है कि आज इमाम हुसैन को चाहने वाले हर धर्म के मजहब के लोग शामिल रहते हैं। चहलुम पर काले वस्त्र पहनकर हजरत इमाम हुसैन के चाहने वालों ने लोगों को दुनिया के पहले आतंकवादी यजीदी सेना के द्वारा मात्र 72 लोगों को करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा शहीद कर देने की घटना से अवगत कराते हुए न्याय और हक पर चलने की नसीहत देते हुए समाज के सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ने की बात कही। आज आप लोग इंसानियत के नाम पर यहाँ पर क्या चीज़ कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं? आज हम उस अज़ीम ज़ात इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं जिनको ज़मीन करबला पर यजीद जैसे टेररिस्ट और आतंकवादी ने उनको और उनके छोटे छोटे बच्चों को ज़मीन करबला पर प्यासा मार डाला था। उनकी याद में आज हम दुनिया को पानी पिला रहे हैं कि इमाम हुसैन के बच्चों को तो ज़मीन करबला पर प्यासा मार डाला गया। इमाम हुसैन प्रॉफिट ऑफ पीस के नवासे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और पूरी दुनिया को इमाम हुसैन ने अमन का, शांति का, ह्यूमैनिटी का दर्स दिया और पैगाम दिया। आज हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं पानी हर इंसान के लिए है, आप पानी सबको पिलाइए। लिहाजा आज चहलम के रोज़ यानी 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन को करबला में प्यासा मारा गया था, प्यासा शहीद किया था। आज चहलम यानी 40 डेज़ गुजर गए हैं, उनकी याद में हम पानी पिला रहे हैं और ये कह रहे हैं उस ज़ात को याद कीजिए, उन छोटे छोटे बच्चों को याद कीजिए, 6 माह के बच्चे को याद कीजिए जिसको प्यासा मार डाला गया। इमाम हुसैन जब अपने 6 माह के बेटे को लेकर ज़मीन करबला पे गए, कहा कि इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, इसे पानी पिला दो। 6 माह के बच्चे की ख़ता क्या है? मगर ज़ालिमों ने, आतंकवादियों ने उस बच्चे को उस तीर से मारा जिस तीर का इस्तेमाल अरब लोग जानवर को मारने के लिए करते थे और बेटा इमाम हुसैन के हाथों में शहीद हो गया, 6 माह का बच्चा जिसका नाम अली असगर था। उस बच्चे की याद में, उस इमाम हुसैन की याद में, उस अली अकबर की याद में आज हम पानी पिला रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं दुनिया में किसी को प्यासा नहीं रहना चाहिए और यही हुसैनियत का पैगाम है। मैं मौलाना सैयद कल्बे अब्बास रिजवी हूँ, हौज़ इल्मिया जामतुल अब्बास का फाउंडर और डायरेक्टर हूँ, काउंसिल ऑफ शिया उलमा का भी फाउंडर हूँ और मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, एक खादिम हूँ और इंसानियत के लिए कोशिश करता हूँ कुछ किया जाए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।